अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टोनियंस एकेडमी पाकिस्तान और आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ्रेश मार्केट अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। और आज की जो मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस में जो कैंडल फॉर्म हुई है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है और ये बिटकॉइन की प्राइस को आने वाले मंथ के अंदर $70,000 अबव लेके जा सकता है। तो इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जो हमारा कोर्स है, जिसका मैं आपसे काफ़ी टाइम से कहता हुआ आ रहा हूँ, क्रिप्टोनियंस एकेडमी पाकिस्तान जो हमारा ग्रुप है, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो हम आपको 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कराएंगे। इसके अंदर इंक्लूड होगा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स भी इंक्लूड है, सेंटीमेंटल एनालिसिस और ऑन चेन डेटा एनालिसिस भी इसके अंदर अवेलेबल है। आपने फीस जस्ट 1 टाइम पे करनी होती है, 5,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, और यहाँ पे आपके लिए इसके बाद लाइफ टाइम सिग्नल्स और कोर्स जो होता है वो फ्री हो जाता है। ओके, अगर आपने इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे यहाँ पे व्हाट्सएप पे नंबर मेरा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सिग्नल ग्रुप है जहाँ पे हम डेली सिग्नल्स दे रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। खाली आज के दिन हमने 42% प्रॉफिट बनाया है जस्ट इन 1 डे, और यहाँ पे हमने ADA, डॉग और गाला में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन जस्ट 1 डे। तो हमारा सिग्नल ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त देख सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, आप देख रहे होंगे कि वीकली चार्ट के अंदर मैंने कुछ जगहों पे एक सर्कल हाईलाइट मार्क किए हैं, जहाँ मैंने ये मार्क किए हुए वहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न जो है वो फॉर्म हुआ है बिटकॉइन के अंदर। अब इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये मैं रिमूव करके दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो हमने बनाई हुई है कैंडल्स यहाँ पे, ये जो हाइलाइट्स किया हुआ है मैंने, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं आपको इंगल्फिंग कैंडल समझाता हूँ। सॉरी, मेरा गला काफ़ी ख़राब है। तो इंगल्फिंग कैंडल जो होती है वो इस तरह की होती है, पहले एक हमारे पास रेड कैंडल जो होती है वो क्लोज होती है, इसके बाद हमारे पास जो कैंडल होती है वो जो रेड कैंडल का बॉटम होता है, सही है, जहाँ से वो ओपन होना स्टार्ट होती है, ओके, जहाँ से सॉरी वो क्लोज होती है नीचे की तरफ, ओके। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो बिल्कुल उसी के मतलब लाइन में हो, ओके, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर में दिखाया गया, ओके, ग्रीन कैंडल हो और रेड वाली से अबव क्लोज हो, तो ये हमारे पास एक बुलिश पैटर्न होता है। और यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि रेड कैंडल खत्म होता है बट उसके बाद हमारे पास अपवर्ड चैनल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो जब जब बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ था वहाँ अगर आप देखें, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ जहाँ मैंने आपको हाईलाइट किया है वहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा। पहले यहाँ पे हम आपको नोट कराते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो जो हमारी ये वाली रेड कैंडल थी, सही है, ये क्लोज हुई और इसी के एग्जैक्ट यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ सेम गैप में यहाँ पे आप देखें, नोट कीजिएगा, एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे, सही, गैप बिल्कुल नहीं है। इसी की लाइन में जो दूसरी हमारी कैंडल खुली जो क्लोज हुई वो ग्रीन हुई और पिछली वाली से ऊपर हुई, और इसके अंदर भी एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाया जाता है जिसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। जैसे ही ये फॉर्म हुई हमारे पास यहाँ पर बिटकॉइन की जो प्राइस है उसके अंदर कितना परसेंट गेन आया, मैं ज़रा आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 63% का जो है वो गेन आया। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वेक यहाँ पे मैटर नहीं करती, ओके, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम गैप है, ओके, इतने गैप यहाँ पे भी आया था जितना गैप यहाँ पे आया, तो ये एग्जैक्टली सेम है, सेम गैप है, ओके, तो यहाँ पे भी सेम गैप आया और पिछली वाली कैंडल से, पिछली वाली रेड कैंडल से वाली ग्रीन कैंडल अबव क्लोज हुई जिस तरह यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है, ओके, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी। इसके बाद वापस बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी मोमेंटम आई और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ से पंप हुई हमारे पास 51%, सॉरी यहाँ से हमारे पास पंप हुई 59%, यानी 60% एक तरीके से देखा जाए तो पहले बनी तब भी 60% यहाँ पे हमारे पास प्राइस में पंप आया, इसके बाद जब वापस बनी तब भी हमारे पास प्राइस के अंदर जो है वो 60% का जो है वो पंप आया, ओके। तो यहाँ पे वापस अगर आप देखें तो जो हमारी क्लोजिंग हुई है वीकली कल की, तो यहाँ पे ये भी एग्जैक्टली पिछली यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल जो है वो फॉर्म हुई है, मतलब ये वाली जो हमारी ग्रीन कैंडल वीकली क्लोज हुई है वो पिछली वाली रेड कैंडल से अबव हुई है और इन दोनों का जो बॉटम है वो बिल्कुल सेम गैप में मौजूद है, जैसा कि यहाँ पर हुआ और एग्जैक्टली यही सिनेरियो यहाँ पर बनता है। तो ये चीज़ साबित करती है कि अगर यहाँ से हमारी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 60% का अगेन हम पंप देते हैं, जो कि देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे भी एक 60% का पंप जो है वो पॉसिबल हो जाता है और यहाँ पे जो हमारी प्राइस होगी वो एग्जैक्ट जैसा मैंने आपसे कहा कि $75,000 तक जो है वो बिटकॉइन की प्राइस को लेके जा सकती है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमारी कैंडल्स रहती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं, ओके। सो इस चीज़ के बारे में हम अपनी पेड क्लास में भी पढ़ाते हैं, ओके, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड बुलिश थिंग जो है हमारे पास ये है 50 MA, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली, यह है 50 वीकली मूविंग एवरेज, ओके, डेली नहीं है, 50 वीकली मूविंग एवरेज है।
जब जब बिटकॉइन की प्राइस ने इसके नीचे रही है, मार्केट का जो वो बुरा हाल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम इससे ऊपर होते हैं हम एक बुल रन में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2017 का बुल रन आप सपोज कर लो, जब जब हम इससे ऊपर थे हम इसको एज अ सपोर्ट वर्क करते थे और इसको टच करके हम वापस ऊपर जाते थे, वापस टच करके फिर ऊपर जाते थे। लेकिन जब हम इससे नीचे आते थे ओके, तो यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस बना लेते थे और वापस इससे मार खा के बार बार नीचे गिरते थे और मार्केट नीचे चली जाती थी। फिर हम इसके ऊपर आए तो हमारे पास 2019 का बुलिश रन आ जाता है, सही है, जिसमें मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर इसके नीचे गए तो यहाँ पे हमारा जो COVID-19 की सिचुएशन बनी थी वो आ गई थी ओके। इसके बाद हमने यहाँ पे वापस इसको ब्रेक किया और जब हमने इसके ऊपर टच किया यहाँ पे आके जो कि 29,000 था, यहाँ पे हमने जैसे इसको टच किया इसके बाद यहाँ पे हमने वापस पंप दिया, जैसा कि पहले हम देखता आ रहे हैं, इसको हमने सपोर्ट बना लिया ओके। वापस हम इसके ऊपर टच हुए, वापस इसकी सपोर्ट से हम पंप हुए और वापस की जो आज की कैंडल क्लोजिंग है हम इसके नीचे चले गए थे। अगर हम इसके नीचे ही आज के दिन क्लोज हो जाते तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होता वो मार्केट का 40,000 होता, और अगर वो भी ना होता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 30,000 होता। लेकिन सबसे जो बुलिश साइन है, एक तो इंगल्फिंग कैंडल एंड सेकेंड यहाँ पे हम इसके अबव क्लोज हुए, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, और जो हमारी कैंडल ओपन हुई है वो इसके कितने $1,000 ऊपर हुई है, $48,000 से अगर हम चलते चले तो $2,000 ऊपर ओपन हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो है बिटकॉइन के लिए ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया वीकली चार्ट के जरिए मार्केट का लॉन्ग टर्म अपडेट क्या है, बिटकॉइन लॉन्ग टर्म क्या मोमेंटम क्रिएट करने वाला है, बिटकॉइन की जो प्राइस है वो आने वाले माह के अंदर जो है बिटकॉइन की प्राइस वो आपको $75,000 तक देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पे मैं ज़रा आपको वन डे का चार्ट दिखा देता हूँ ओके। यहाँ पे वन डे के चार्ट में भी हमारे पास कुछ चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिमूव ड्राइंग्स करता हूँ और यहाँ पे जो हम है 20 mm आपको खोल के दिखाता हूँ ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ बुलिश है, देखें जब जब हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में, डेली शॉर्ट टाइम फ्रेम में 20 mA के ऊपर रहे हैं, तब तब हमारी मार्केट की जो है वो आबादी रही है ओके। अगर आप यहाँ से देखते हुए चलें इसको, तो जब जब हम इससे ऊपर होते हैं हम इसको सपोर्ट बना के एक ऊपर की तरफ पंप देते हैं, जब हम इससे नीचे होते हैं तो मार्केट की बेहाली होती है, बर्बादी होती है, और जब इससे ऊपर होते हैं तो मार्केट का जो होता है वो बुल रन होता है ओके। जब हम इससे नीचे होते हैं तो हम इसको रेजिस्टेंस बना लेते हैं, जब हम इसके ऊपर होते हैं इसको सपोर्ट बना लेते हैं ओके। इसके ऊपर है मार्केट, देखिए आप कितना ज़बरदस्त इसी टाइप का पंप देती है, फिर इसके ऊपर है मार्केट ने फिर इसी टाइप का पंप दिया, बिल्कुल इससे मिलता जुलता, फिर इसके ऊपर है मार्केट ने फिर इस तरह का पंप दिया लेकिन वो छोटा था, फिर इसके ऊपर है मार्केट ने फिर इस तरह का पंप दिया लेकिन वो उससे छोटा था ओके। और जब जब हम इससे नीचे आते हैं हम यहाँ पे जो है वो बेयरिश हो जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे हुए यहाँ पे और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हो गए थे ओके। अब अगर हम चलें आगे की तरफ जो कि करंटली अभी हो रहा था, यहाँ पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन की जो प्राइस थी जब से क्रैश आया था इसके बाद से हम इसके नीचे चले गए थे, जैसा कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी देखें इसके ऊपर थी तो हमने इसको सपोर्ट बना के चल रहे थे, जैसे जैसे सपोर्ट पे हम लग रहे थे यहाँ पे हम पंप दिए जा रहे थे, तो जब हम इससे नीचे थे यहाँ पे तो देखें मार्केट का कितना गंदा हाल था ओके। ये वाला जो जोन है यहाँ पे अगर आप देखें, ये वाला जब हम इससे नीचे थे तो मार्केट का कितना गंदा जोन था ओके, और जब हम इससे ऊपर थे तो मार्केट का कितना अच्छा हाल था। वापस हम इसके नीचे गए, मार्केट का हाल जो था वो बुरा हो गया, फिर हमने इसको ब्रेक किया और फिर हमने इस तरह का मोमेंटम बनाया, सही है। जब भी यहाँ पे हम नोट करें जब हम इसके ऊपर आते हैं हम इस टाइप के ही मार्केट के अंदर मोमेंटम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला मोमेंटम देखा, यहाँ पे ये वाला मोमेंटम देखा, यहाँ पे हमने ये वाला मोमेंटम देखा, यहाँ पे हमने, ऐसा लगता है ये चारों भाई हैं ओके। अब हमने इसके नीचे थे, जब हम इसके नीचे थे तो हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो था एक हमने बेयरिश मोड देखा बिटकॉइन का, जो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ था हमारे पास 16 नवंबर तो, और यहाँ पे आज कल परसों फाइनली बिटकॉइन ने इसको जो है वो ब्रेक किया, इसको यहाँ पे बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया और एग्जैक्टली यहाँ पे भी बिटकॉइन जो है वो एक बुलिश सिग्नल दे रहा है कि अब यहाँ से अगर बिटकॉइन की प्राइस में उतना ही पंप आया जैसे जितना हमारे पास प्रीवियसली पंप आता रहा है, और यहाँ से हम इसको उठा के देखें और एग्जैक्टली यही चीज़ हम उठा के अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास पंप एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे अगेन हमारे पास $70,000 का जो पंप है वो एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सेंटीमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पास फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं वापस हमारे 4 आवर के चार्ट में, अगर हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो बिटकॉइन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, बिटकॉइन जो यहाँ पे एक यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस मिल रही है जिसका मैं आपको काफ़ी पहले से जिक्र करता हुआ, सॉरी मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ ओके। ये जो है एरिया ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ से चलता हुआ रहा है, और इसको प्रीवियस देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए बन जाता है ओके। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के चलता रखूँ तो हमारी ये वाली जो क्लोजिंग वाला एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो बन जाता है, सही है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक अपवर्ड चैनल के अंदर मूव कर रहे थे ओके, स्टार्ट कर दिया था बिटकॉइन ने एक अपवर्ड चैनल के अंदर मूव करने, इसका कलर मैं ज़रा वाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ओके। बिटकॉइन ने इसके अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी जैसे यहाँ पे हमारे पास डबल बॉटम फॉर्म हुआ कुछ इस तरीके से ओके।
अब बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन के अंदर जो आया, सॉरी मैं इसको थोड़ा सही कर दूं, ओके इस तरीके से। अब बिटकॉइन के अंदर जो यहाँ पे देखें, कल परसों सॉरी कल की बात है, ये हमारे पास जो था एरिया वो ब्रेक हुआ और हम इसके नीचे आ गए और हमने बिटकॉइन को वापस नीचे से टच किया 49,400 पे, देन वापस हम इससे ऊपर गए। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रही है, हम यहाँ से इसके ऊपर नहीं जा पा रहे, इस वाइट लाइन के ऊपर सही जो हमारा ऊपर चैनल था, हम इसके ऊपर अभी क्रॉसिंग नहीं दे पा रहे, क्लोजिंग नहीं दे पा रहे 4 आवर के चार्ट की। तो जब तक हम इससे नीचे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको एक एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ, वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा $50,000 पे, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाती है। यहाँ से हम रिट्रेसमेंट लेकर चांसेस है कि हम इसको ब्रेक करें और इसके ऊपर हम क्लोजिंग दें, देन इसके बाद हमारी जो रैली होगी वो आगे से कंटिन्यूएशन की तरफ से जो है वो आ जाएगी। तो यही थे बिटकॉइन के हमारे पास कंप्लीट अपडेट्स। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई और समझ में भी आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लर्निंग का, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।